इस बार अकबरपुर गांव में इतना अनाज पैदा हुआ है कि गांव के खलियानों में रखने की भी जगह नहीं है। फिक्र क्यों करता है भैरव सिंह, हम इस बार अकबरपुर की जनता का सारा बोझ हल्का कर देंगे। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, भरतपुर से अकबरपुर का फासला 5 किलोमीटर का है और वो तय करने में तुमने 5 साल लगा दिए। यार जसवंत सिंह, काम धंधे में कुछ वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा दिलीप सिंह ये बताओ, तुम दोनों बेटी और भाभी को साथ में लेके क्यों नहीं आए? ठाकुराइन मौसी के यहाँ बच्चों को लेकर शादी में गई है, आजकल में आ जाएंगे। अरे ये फायरिंग की आवाज ही कैसी? लगता है भवानी सिंह के ग्रहों ने धावा बोल दिया है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ऐसे जुल्म मत करो ठाकुर साहब, आप सारे गांव का अनाज लूट कर चले जाओगे तो हमारे बाल बच्चे क्या कहेंगे ठाकुर साहब? आओ आओ जमींदार साहेब, आओ अपनी प्रजा को समझाओ, ये साले कहते हैं कि पूरा अनाज मत ले जाओ। पूरा अनाज? ये क्या कह रहे हो शंकर सिंह, आज तक कभी तुमने पूरा अनाज नहीं मांगा। पुलिस की मुठभेड़ में हम बागियन का काफी नुकसान हुआ है जमींदार। हमारे भाई भवानी सिंह का हुक्म है कि इसकी परौती तुम लोग पूरी करोगे। ये नहीं हो सकता शंकर सिंह, एक राजा अपनी प्रजा को भूखा नहीं मरने देगा। जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा कहां से रहेगी जमींदार? तू पूरे अनाज की बात कर रहा है शंकर सिंह? अनाज के एक दाने को हाथ लगाकर तो देख, तेरी खोपड़ी में इतने छेद कर दूंगा कि तेरा भाई भवानी सिंह छेद गिनते गिनते थक जाएगा। जो जुबान मेरे भाई भवानी सिंह का नाम अदब से नहीं लेती उसे मैं काट के फेंक देता हूँ हरामजादे। ठाकुर दिलीप सिंह की जुबान काटने वाला अभी तक अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ शंकर सिंह। अरे काली, आज तक हम समझते थे कि वफादारी का दूसरा नाम भैरव सिंह है, लेकिन आज हमको पता चला कि बुलबुली का दूसरा नाम भी भैरव सिंह है। अरे ससुर, कहा सोच के भागा था वहां से कि सरदार तेरे को माला पहनाएगा है? लेकिन भवानी सिंह माला जरूर पहनाएगा, मगर तेरे को नहीं, तेरी आरती को। एक बार माफ कर दो सरदार, एक बार माफ कर दो। माफी? सिर से एक बार माफ कर दो सरदार। माफी? अरे माफी हमने भाई शंकर से मांग। लेकिन वो तुमको माफ कैसे करेगा, वो तो मर गया। तुम गंदारों ने हमसे हमारा भाई छीन लिया तो हम भी तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेंगे। नहीं सरदार, हमसे हमारी जिंदगी बची रहे सरदार, हमसे हमारी जिंदगी बची रहे। देखा जिंदगी कितनी प्यारी है, लेकिन भवानी सिंह किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, पूरा इंसाफ करता है। गोली एक खोली छह, जिंदगी 5, मौत 1। अब गोली किस खोली में है ससुर भवानी को भी पता नहीं। गोली चली तो तेरा नसीब, ना चली तो भी तेरा नसीब।
का हमने का हाल किया, तो तेरी जिंदगी लेने वाले का हम का हाल करेंगे, ये तो भवानी माँ ही जानेगी। सरदार, क्या शंकर के क्रियाक्रम का प्रबंध किया जाए? नहीं काली, नहीं, पहले उस हरामजादे दिलीप सिंह का क्रियाक्रम करेंगे, उसके बाद हमारे इस शंकर का क्रियाक्रम होगा। ठाकुर साहब, डाकू शंकर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर जो उस पर इनाम रखा गया था, अब आप उसके हकदार हैं। मैंने इनाम के लालच में डाकू शंकर सिंह को नहीं मारा इंस्पेक्टर साहब, बल्कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, हमारी दूसरी बेटी कहाँ है? उसे आया बाहर घुमाने ले गई है। लो, वो आ गई। वाह ठाकुर साहब, आपकी दोनों बेटियां तो जड़वा हमशक्ल हैं, आप इनमें पहचान कैसे करते होंगे? आप भी कैसी बातें करते हैं इंस्पेक्टर साहब, भला एक बाप अपनी बेटियों को पहचानने में कैसे भूल कर सकता है। यह है मेरी बेटी गीता और वो है मेरी बेटी सीता। देखिए, आपने फिर पहचानने में भूल कर दी है। जिसके दाएं गाल पर तिल है वो है सीता और वो है बिना तिल वाली गीता। हाय, बस एक तिल से मार खा गया। अच्छा ठाकुर साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छा भाभी जी, सलाम ठाकुर साहब। सलाम शेर खान, आज बाजार से आने में इतनी देर कैसे लगा दी? ओए क्या बताएं ठाकुर साहब, एक चिलगोजे की औलाद ने अपने मोटर से हमारे टांगे में टक्कर मार दिया। ये तो खुदा के कलाम की बरकत है कि हम बाल बाल बच गया, इसलिए कुरान शरीफ को हम हमेशा अपने पास रखता है। और ये गुड़िया हमारा बच्चा लोग के लिए, लो सीता बेटी। और ये हमारा दूसरा बिटिया गीता के लिए। ठाकुर साहिब, ये आज का हिसाब और ये बाकी के पैसे। इसमें गुड़ियों के पैसे नहीं लिखे शेर खान। क्यों शर्मिंदा करता है ठाकुर साहिब, ये तो हम बच्चा लोग के लिए अपने पास से लाया। ये क्या बात हुई भाई साहब, आप रोज बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं और पैसे नहीं लेते, ये अच्छी बात नहीं है। अरे रोज रोज किधर लाता है बहन, वैसे भी अल्लाह के बाद इस दुनिया में आप लोगों के सिवा हमारा और कौन है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। अरे इन मासूम बच्चियों को देख देख कर ही तो हम जीता है। अरे ये क्या कर रहे हो शेर खान? हमको आप पर फख्र है ठाकुर साहिब, वो शंकर सिंह जैसे खतरनाक डाकू को मारने पे सारा अकबरपुर आपकी जय जय कर रहा है, फिर शेर खां कैसे पीछे रहेगा? लेकिन भाई साहब, डाकू की दुश्मनी कभी कभी महंगी भी पड़ जाती है। ठकुराइन, आपके मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, और आप ये मत भूलिए कि आप ठाकुर दिलीप सिंह की पत्नी हैं, डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिटिया ये तो अब खराब हो गया है। ठाकुर साहब, डाकू आ गए। डाकू? अब क्या होगा? तुम बच्चों को लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाओ। चलो आओ। आओ शेर खान। Thank you.
आतिशबाजी छुड़ा चुके ठाकुर, बहुत आतिशबाजी छुड़ा चुके। आप जरा अपनी जिंदगी का तमाशा भी देख लो, हैं? मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ भवानी सिंह, भगवान के लिए मैं सुहाग मत उजाड़ो। अरे ठकुराइन, तू बहुत भोली है जो एक डाकू से दया की भीख मांगती है। अरे डाकू जब दया करता है ना, तो उसके हाथ में हथकड़ी लग जाती है और गले में फांसी का फंदा पड़ जाता है। दोनों गहरे आपके घर में सपोले भी हैं रे काली। लड़का है तो छोड़ा, लड़की है तो उठा ला। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन। ओए दिलरुबा बेटी, नाश्ता तो मिलेगा कि नहीं? आई बाबा। लो बाबा तुम्हारा नाश्ता। अरे वाह बेटी, बिस्मिल्ला। ले। हाँ हाँ मालूम है बसंती, तुझे भी पराठे बहुत पसंद है। बाबा आप तो टांगा चलाते, फिर ये बंदूक हमेशा अपने पास क्यों रखते हैं? बेटी, बहुत दिनों से हमें एक खतरनाक दरिंदे का तलाश है, उसी का शिकार करने के लिए हम हर रोज जंगल का खाक छानता है। जिस दिन वो हमको मिल गया, हम उसका काम तमाम कर देगा। तुम बेटी अंदर जाओ, हम भी चलते। अरे बाबा तो आज कुरान शरीफ ले जाना भूल गए। अगर किसी ने बंदूक उठाने की कोशिश की तो तुम्हारा ये सरदार भवानी सिंह सीधा अल्लाह के पास पहुंच जाएगा। शाह
शायद तुम्हारा कुत्ता लोग हमारा आवाज नहीं सुन रहा है भवानी सिंह, लेकिन अपने मालिक का आवाज तो पहचान लेगा। बोल नहीं तो दबाऊंगा। बंदूक फेंक दो। भवानी सिंह, तूने हमारे मालिक और मालकिन के साथ खून का होली खेला था, आज वही खून का होली हम तुम्हारे साथ खेलेगा। अरे पठान, अरे जिसको यमराज भी अपने गोद में बैठाने से डरता है ना, उसके साथ तू क्या खून की होली खेलेगा रे? अरे तेरी सारी बहादुरी तो इस बंदूक के बूते पे है। हमारा नाम शेर खान है और हम पठान की औलाद है। हम बंदूक की गोली से ज्यादा अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखता है। ये ले, अब शेर खान बंदूक तभी उठाएगा जब तू अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले चुका होगा। पहली बार किसी ने भवानी सिंह को घायल किया है। भवानी माँ की सौगंध, आज भवानी सिंह भी इस पठान के बच्चे को ऐसा घायल करेगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। पिंजरे में? अबे ओ गीदर की औलाद, शेर जंगल में हो या पिंजरे में, शेर ही होता है। अच्छा काले, बांध दे साले को। क्यों पठान, बहुत फड़फड़ा रहा था है? अब सूखे पत्ते की तरह टूट के गिर जाएगा रे। गोली एक, खोली छे, जिंदगी पांच, मौत एक। अब गोली किस खोली में है ससुर भवानी को भी पता नहीं। क्यों बे? देख पठान, इस वक्त तेरी जिंदगी की सारी सांसें मेरी मुट्ठी में है। सिर्फ एक शर्त पर तुझे तेरी सांसें वापस कर सकता हूं, अगर तू मेरे दुश्मन दिलीप सिंह की बेटी का पता मुझे बता दे। अरे तू पठान को मौत का धमकी क्या देता है? अरे जिंदगी और मौत तो पाक परवरदिगार के हाथ में है। बाकी राज ठाकुर दिलीप सिंह की बेटी को तेरे हवाले करने का सवाल तो कान खोल कर सुन ले भवानी सिंह। शेर खान उस काम की औलाद है जो सर तो कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। बोल पठान, कहाँ है वो लड़की? नहीं बताएगा। अब बोल कहाँ है लड़की? नहीं बताएगा। रस्सी चल गई पर बल नहीं गए हैं? ओए बल चले जाएं तो फिर वो रस्सी कैसी? ठीक है पठान। लगता है पठान तूने अपने मालिक का नमक कुछ ज्यादा ही खा लिया है, जो तुझे हजम नहीं हो रहा है। लेकिन इतना याद रख पठान, इस थोबड़े पर जो तूने घाव दिया है ना, उसके बदले मैं भी तुझे ऐसा घाव दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे कली,
पठान, तुझे तेरे हाथ पे बहुत घमंड है ना रे? ओए, तुम हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। हमारे पास कुरान की यार दा। ये! बाबा, बाबा, ये मेरे बाबा को क्या हो गया है? रो मत बेटी, तुम्हारे बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे। आओ नर्स। बाबा, 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 ये आपको क्या हो गया बाबा? ये खून कैसा? आपका हाथ कैसे कट गया बाबा? ये अल्लाह का पाक किताब कुरान शरीफ को भूल जाने का सजा है बेटी, हमको उससे गिला नहीं। हम है तो इस बात का कि अब हम टांगा कैसे चलाएगा, अपना बेटी को कैसे पालेगा। बाबा, आप ही ने तो कहा था कि रोटी देने वाला अल्लाह होता है, एक दर बंद होता है तो हजार दर खुलते हैं। कल से मैं टांगा चलाऊंगी बाबा। ओए, क्या पागल का बात करता है, बेटी कमाए और बाप खाए, ये हमको कभी मंजूर नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए बाबा, आपको मेरी कसम। हाँ शेर खान, भवानी सिंह से बदला लेने के लिए दोनों हाथों में ताकत होना चाहिए, लेकिन तेरा एक हाथ पुकड़ चुका है, अब तेरी ये बेटी तेरा दूसरा हाथ बनेगा। ठीक है बेटी, हम तेरे को टांगा चलाना जरूर सिखाएगा। टांगे वाली, दिल रुबा टांगे वाली, दिल रुबा टांगे वाली।
टांगे वाली, दिल रुबा टांगे वाली, दिल रुबा टांगे वाली, दिल रुबा टांगे वाली। अरे लो बस आ गई, बस आ गई, जगदीश पुर आ गई। अरे बाबूजी, बाबूजी जगदीश भरतपुर, बाबूजी भरतपुर, अरे बाबूजी बाबूजी भरतपुर चल रहा है। अरे ये बसंती, हम तो किसी की मस्का पालिश नहीं करते। जिसे आना होगा वो खुद आएगा हमारे तांगे में, समझी? अरे वाह क्या बात है। अरे ठहरो भाई, अरे ठहरो भाई, अरे छोड़ो भाई, अरे अरे मेरा क्या। अरे भाई ठहरो, मुझे जिस टांगे में जाना था वहां मेरा सामान पहुंच गया। प्रेमनगर, मेरा मतलब है अकबरपुर। पीछे वो क्या है ना कि अगर मैं पीछे बैठूंगा तो पेट का पानी ऊपर आ जाएगा। आ गया हूं। कितनी खूबसूरत जगह है ये, और यहाँ के लोग, और यहाँ के लोग भी कितने खूबसूरत हैं। ओ जब ऐसे चिकने चेहरे, ओ जब ऐसे चिकने चेहरे, तो क्यों न नजर फिसले, तो क्यों न नजर फिसले जिन मेरी ये। अरे हाँ टांगे वाली, तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया। हो सकता है बेचारी का कोई नाम ही ना हो। वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है? वाह रे ऊपर वाले, इस बेचारी टांगे वाली के साथ तूने कितनी नाइंसाफी की है। काली घटाओं जैसी जुल्फे, झील जैसी आंखें, सेब जैसे गाल, रस भरे ओंठ, दूध जैसा गोरा सा रंग, हाय उस पे काला सा तिल, हाय इस बेचारी को सब कुछ दिया तूने, अगर कुछ नहीं दिया तो सिर्फ एक जुबान नहीं दी। बेचारी को गूंगी बनाकर पैदा कर दिया तूने। अबे ओ चश्मिश, गूंगा बत्तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा पूरा खानदान। अरे अरे अरे, तू तो काटने को दौड़ती है। तो फिर काय को नाम पूछता है? मुझसे रिश्तेदारी करनी है क्या? क्या? अरे नहीं 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 नहीं। अबे ओ मजनू की औलाद, चल उतर यहीं पर। पता नहीं कहां से चले आते हैं। ये लो बाबू, आ गया तुम्हारा अकबरपुर। आ गया? हाँ, 2 रुपए ढीला करो। ये लो तुम्हारे 2 रुपए। और देखो बाबू, ये शहर नहीं गांव है, गांव। मुझसे ऐसी वैसी बातें नहीं करना, नहीं तो घंटी बजा दूंगी। हाँ घंटी बजा दूंगी। ये घंटी बजाना क्या होता है? अरे बसंती, जरा इस शहरी बाबू को बताना घंटी बजाना क्या होता है। क्यों सहरी बाबू, बज गई ना घंटी? बज गई रे घंटी। ओ संग्राम सिंह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज होशियार सिंह इंस्पेक्टर बनके रहेगा, बनके रहेगा। अबे ओ संग्राम सिंह की औलाद, चला। तुम्हें शर्म नहीं आती होशियार सिंह? ड्यूटी पर भी सपना देखते हो? ये मत भूलो कि तुम एक जमाने में डाकुओं को पकड़ने वाली यूनिट में इंस्पेक्टर थे, लेकिन आज तक तुमने एक भी डाकू नहीं पकड़ा, इसलिए तुम इंस्पेक्टर से हवलदार बना दिए गए। और आगे भी तुमने अगर डाकू नहीं पकड़ा तो इतना जान लो कि हवलदार के बाद यहां सिर्फ झाड़ू लगाने वाले की जगह बाकी रह गई है। सर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी डाकू को पकड़ के उससे झाड़ू यही लगवाऊंगा और दोबारा इंस्पेक्टर बनूंगा। आप मेहरबानी करके जो मेरी इंस्पेक्टर की वर्दी है उसे प्रेस करवा के तैयार रखिए, उसे पैसे मैं दूंगा। ओहो आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए आइए। ये साहब अकबरपुर में सरकारी नौकरी के लिए आए हैं। ओ महीने दो महीने में इन्हें क्वार्टर मिल ही जाएगा, और तब तक के लिए इन्हें कमरा चाहिए। हाँ मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन किराया 300 नहीं होगा। क्या गाँव में 300 रुपए? ये बहुत ज्यादा है भाई साहब। देखो भाई, रहना तो रहो, नहीं तो अपना रास्ता ना पो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, नाराज क्यों होते हो? आपका ये शीश मेल हमें बहुत अच्छा लगा। ये रहे आपके
300 रुपए। सत्यम शिवम सुंदरम। नहाना चाहिए। अच्छा, तो इस मजनू की औलाद को भी नदी में नहाने का शौक है। बच्चू बड़े मौके पे आया है। अब मैं तेरी ऐसी घंटी बजाऊंगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। ओह, ठंडा पानी। ओ सूरज भगवान, नीचे जाओ यार। वो क्या है ना कि पानी गर्म हो जाएगा, फिर नहाने का मजा आ जाएगा। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे टांगे वाली, मेरे कपड़े क्यों पहन लिए तूने? क्योंकि वो मुआ बंदर है ना, वो मेरे कपड़े ले गया, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। अरे लेकिन मैं बाहर कैसे आऊंगा? अरे बेशरम, अभी तो कोई बच्चा है जो सारे कपड़े उतार कर नदी में नहाने गया था। अच्छा, अगर यही सवाल मैं तुझसे पूछूं, तू कोई बच्ची है जो? अबे चुप, देख के पत्ते पड़े हैं, इसे पहनकर गांव चले जाना और कल बस अड्डे पर आकर अपने कपड़े वापस ले जाना, समझे? कमाल है टांगे वाली, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। देख लिया बाबू, ये गांव है गांव। दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, कपड़े लिया पत्ते दिया। अरे, अरे मेरे कपड़े, अरे अरे मेरे कपड़े, अरे रुक। चलो, देर हो रही है। हाय रे दैया, बेशरम नंदुड़ंग। अरे चंपा, देख तो रे इस मुस्तंडे को। ए, आज क्यों रही हो? अरे पानी में नहाने गया था, कपड़े चोरी हो गए, इसमें हंसने की बात क्या है? वो बात तो ठीक रही बाबू, ऊपर ही का कपड़ा पहनने का का जरूरत रही, का हमारी बिरादरी में आई बेका। हे भगवान, आज गांव में कैसे जाऊं? आज तो कमिश्नर साहब भी आने वाले हैं। हे भगवान, तू ही बचा। अरे जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। ओ बड़ी सर्दी है भाई, मेरी तो कुल्फी जम गई। अरे बड़ी जोर से आ रही है, कहाँ बैठू, कोई देख लेगा यहाँ तो। बड़ी जोर से आ रही है। निरंजन, ये आवाज कहाँ से आई? बेटा होशियार सिंह, इधर उधर क्या देखता है, इधर आ। अरे महाराज,
आपको मेरा नाम कैसे मालूम? मूर्ख, बाबा अंतर्यामी पत्ते वाले बाबा का नाम तूने कभी सुना है? जी मैंने तो सिर्फ साईं बाबा का नाम सुना है। बच्चा, साधु तो रमता जोगी बहता पानी है, हम प्रत्येक जीवधारी का कष्ट निवारण करते हैं। बोल बच्चा तेरा क्या दुख है? मेरा कष्ट, मेरा दुख मैं आपसे क्या बताऊं? बात यह है, मैं पहले पुलिस में इंस्पेक्टर था, आजकल हवलदार रह गया हूँ। कारण? मैं आज तक एक भी डाकू नहीं पकड़ सका। कारण? आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपाना। असली बात यह है, मैं डाकुओं को देख के बहुत डरता हूँ, उनको देखते ही मेरी वो निकल जाती है। तो ये है कारण। बच्चा अपना हाथ दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। रे 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 रे। बच्चा तेरी जिंदगी में बड़ी उठापटक है, शनि की खटक है, राहु की झटक है, इसलिए तेरी जिंदगी में लटक ही लटक है। महाराज फिर कोई उपाय बताइए। एक उपाय है, राहु और शनि को नीचे उतारना होगा। तो महाराज आप उतार दीजिए ना। उन्हें उतारने के लिए तुझे अपने वस्त्र उतारने पड़ेंगे। मेरे वस्त्र? महाराज फिर तो नंगा हो जाऊंगा। नहीं बच्चा नहीं, तू पत्ते वाले बाबा के पत्ते पहनेगा और पानी में डुबकी लगाएगा, उसके बाद अगर एक लोटा पानी लेकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएगा तो समझ ले तेरा कल्याण ही कल्याण होगा, क्योंकि 5 मिनट बाद शनि बदल रहा है। महाराज जल्दी से मेरा कल्याण कर दीजिए। कल्याण कर दूं? हाँ। तो चल झाड़ी के अंदर। बंधन भोले आज के बाद तू डाकू डाकू पकड़ेगा। महाराज से मैं डाकू पकड़ लूंगा। ये देख ले क्यों हंसते हो? अरे चाचा आपने पीछे तो देखो। देख क्या कर रही है, मेरी इज्जत पर हमला कर रही है। अरे बसंती वो शहरी बाबू तो बड़ा मनहूस निकला, आज अब तक बोनी ही नहीं हुई। भेज ऊपर वाले कोई आग का अंधा गांड का पूरा। अरे कुछ तो चक्कर चला दे भगवान। जी जी। अरे मुन्ना तुम आओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। अच्छा चल बसंती। ये लो मुन्ना तुम्हारी चॉकलेट। दीदी क्या आपकी चॉकलेट की दुकान है? नहीं तो? तो फिर आप मुझे रोज चॉकलेट देती हैं और स्कूल भी छोड़ती हैं। इसलिए कि तुम मेरे लिए बहुत भाग्यवान हो, जिस दिन तुम मेरे तांगे में बैठते हो ना उस दिन मुझे बहुत सारी सवारियाँ मिलती हैं। अच्छा दीदी आपका कोई भाई है? नहीं मुन्ना अपना कोई भाई नहीं। मेरी भी कोई बहन नहीं है। दीदी आप मुझे अपना भाई बनाएंगी और राखी बांधेंगी? जरूर बांधूंगी, पहले रक्षाबंधन तो आने दो। बोलो तुम्हारा स्कूल आ गया। अरे बसंती मैंने कहा टांगा खाली है। अरे बसंती ये तो वही बागड़ बिल्ला है, इसे टांगे में बिठाऊं कि नहीं? हाँ? क्या बिठा लूं? देखो बाबू मैं अपनी बसंती का कहा कभी नहीं टालती, पर इतना याद रखना अपने दिल पर काबू रखना और अपनी थूतनी बंद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल बंद रखूंगा। जाना कहाँ है? अरे मैंने पूछा जाना कहाँ है? लो कर लो बात, अभी अभी बोला था थूतनी बंद रखना। अरे बोलोगे नहीं तो बसंती जाएगी कहाँ? अब बोलो कहाँ जाना है? तुम्हें देखकर भूल गया। चलो उतरो। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं हमीरपुर जाना है। क्यों बाबू पत्तों की जांघिया पसंद आई क्या? बहुत पसंद आई जी, उसमें किसी के बदन की भीनी भीनी खुशबू बसी हुई थी, उसे मैंने किसी की निशानी समझकर अपने दिल में बसा लिया है। दिलरुबा
मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया। दिल दिया दर्द लिया। लगता है इसकी घंटी बजानी पड़ेगी। क्यों बाबू तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाय अपना ऐसा नसीब कहाँ। क्यों कोई अच्छी लड़की नहीं मिली क्या? हाय मिली तो ए? लेकिन जालिम अपने पुट्ठों पर हाथ ही नहीं रखने देती। क्या नाम है उसका? नाम बताने से क्या फायदा, काम तो बनने वाला नहीं है ना। अगर काम बन जाए तो? सच तुम उसे शादी करोगी? क्यों नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसा बांका सजीला चौड़ी छाती वाला पति मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कब करोगे शादी बाबू? आज ही कर ले। पास ही में एक मंदिर है जिसके पुजारी चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं, तो चले मंदिर में। चलो चल सन्यासी मंदिर में। लो बाबू आ गया तुम्हारा मंदिर। अरे ये तो पुलिस स्टेशन है, तुम तो मुझे किसी मंदिर में ले जाने वाली थी। अरे बाबू सर फिरे आशिकों की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। दरोगा जी इस मंदिर के पुजारी हैं, जो तुम्हारी घंटी अच्छी तरह से बजा देंगे। अरे भागता कहाँ है, मुझसे शादी नहीं करेगा, सौगात नहीं मनाएगा। चल मजनू की औलाद। हवलदार साहब इस सर फिरे आशिक की घंटी अच्छी तरह से बजा दीजिए। ओ किरायेदार तुम, शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हो? तुम जैसे सरफिरे आशिकों को ठीक करना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। राम सिंह हथकड़ी लगाओ। ठहरो अबे घोंचू, तुम्हें पता है ये कौन है? ये है डीएसपी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर विजय सिंह, जो एंटी डकैती यूनिट के इंचार्ज बनकर यहाँ आए, समझे? आ तो अपनी घंटी बज गई। सुनिए क्या बता सकती है कि असली मंदिर में चलने के लिए कब और कहां इंतजार करना पड़ेगा? नहीं 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 कोई जल्दी नहीं, आराम से सोचिए। पुलिस को डाकों के खिलाफ आज तक कितनी कामयाबी मिली है? फिलहाल कोई कामयाबी नहीं मिली है सर। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि डाकू किसी एक ठिकाने पर नहीं रहते, वो किसी भीड़ों में छुप जाते हैं और उन भीड़ों के रास्ते नहायत ही पेचीदा होते हैं। सलाम साहब। कहो मोतीराम क्या खबर लाए? साहब मसौली गांव में एक आदमी है महावीरा, जो बहुत खतरनाक गुंडा है, पुलिस को तो वो कुछ नहीं समझता, भवानी सिंह के गिरोह को वो बारूद सप्लाई करता है साहब। अच्छा चलो आज हम भी महावीरा से कुछ हथियार खरीद लेते हैं। तुम भी जुआ खेल रहे थे? वो तो अब भी खेल रहा हूं। तुम्हारा नाम? महावीरा की महाभारत तो तुम पहले ही पढ़कर आ रहे हो डिप्टी। इसका मतलब तुम ही महावीरा हो? जब शरीफ मुझे पुकारते हैं तो ठाकुर महावीर सिंह कहते हैं, और जब बदमाश मुझे याद करते हैं तो महावीरा कहते हैं।
भावीरा के दरबार में पहली बार आए हो डिप्टी, और मेहमानों की खातिर करना महावीरा की जिंदगी का पहला उसूल है। लो डिप्टी। ये गंदे नाली का पानी सिर्फ तुम जैसे गंदे नाली के कीड़े ही पीते हैं। बड़ी अच्छी आदत है तुम्हारी डिप्टी, जो तुम गटर का गंदा पानी नहीं पीते, लेकिन गटर के गंदे कीड़ों से दूर रहना भी सीखो, क्योंकि ये बहुत जहरीले होते हैं। मैंने बड़े बड़े जहरीले सांपों का जहर निकाला है। डिप्टी, अब मतलब पे आ जाओ तो ही अच्छा है। महावीरा, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तलाशी का वारंट है तुम्हारे पास? तलाशी का वारंट ये। तो मैं तेरे घर की तलाशी ले सकता हूं क्या? नहीं, मुझे अफसोस है डिप्टी कि तुम मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बना सके। महावीरा, मैं चाहूं तो अब भी तुम पे केस बना सकता हूं, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाना बहुत बड़ा जुर्म है। जय राम जी की भैया। सत्यनारायण की पूजा थी, आपको न्योता देने आया था। तुम्हारे नियुक्ति पे मेरा जाना जरा मुश्किल है, क्योंकि आज डिप्टी साहब के घर बुलावा है। अच्छा, तो चलता हूं मैं फिर। घबराओ नहीं महावीरा, मैं तुम्हें उस दिन गिरफ्तार करूंगा जिस दिन मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ूंगा। ये ड्यूटी यहां क्यों आया था? लगता है उसको मुझ पे शक हो गया है। माल तैयार है? हाँ, ये रहा माल। और माल चाहिए तो भवानी को कह देना, 15 दिन पहले बता दे। इंस्पेक्टर विजय हियर, मैं एक डाकू का पीछा कर रहा हूं, मुझे शक है कि यह भवानी सिंह के गिरोह का आदमी है। मुझे पुलिस फोर्स चाहिए। और हाँ, फोर्स को कहां ले जाओ सर? हाँ, फोर्स को बरवा पहाड़ी की तरफ भेज दो, जल्दी। सलाम सरदार। सरदार महावीरा ने आपको सलाम कहा है, और इस बार इसने बहुत अच्छे हथियार भेजे, लेकिन एक गड़बड़ है सरदार। हाँ, एक डिप्टी भी मौजूद था, लगता है उसे महावीरा पर कुछ शक हो गया। संग्राम सिंह, जरा एक कारतूस का नमूना तो दिखाना। क्यों भवानी सिंह, अब समझ में आया कानून की गोली मुजरिम से कितनी तेज दौड़ती है? डिप्टी, दुनिया में कोई गोली ऐसी नहीं बनी जो भवानी की परछाई को भी छू सके। Thank you.
आज समझ में आया कि तेरे माता पिता ने तेरा नाम महावीरा क्यों रखा। भवानी सिंह, महावीरा की जिंदगी की किताब के सारे पन्ने दुश्मनों के नाम से भरे पड़े, सिर्फ एक पन्ना दोस्ती का है जिस पर तेरा नाम लिखा हुआ है। चलो इसी खुशी में आज हम तुम्हें एक ऐसी छमिया से मिलाते हैं जिसे देखकर तेरी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। अच्छा, इस इलाके में ऐसी कौन सी छमिया है जिसे महावीरा नहीं जानता? नाम है उसका रेशमा, काम है हमारे गिरोह की मुखबरी करना। अरे दिलरुबा, तुम दिलरुबा सुनो तो सही। ये मुझे दिलरुबा क्यों समझ रहा है, लेकिन लड़का तो बुरा नहीं है। अच्छा दिलरुबा, तो क्या ये वही मंदिर है जहां पे हमारी असली शादी होने वाली है? दिलरुबा, आखिर तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों हो? जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं उतनी ही तुम मुझसे नफरत करती हो। लगता है इसकी महबूबा दिलरुबा जो मुझसे मिलती जुलती है इसे प्यार नहीं करती। दिलरुबा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मेरी खामोशी मेरी मोहब्बत का सबूत नहीं? सच? सुनो, तुम पूजा करके आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, आज मुझे भगवान से बहुत कुछ मांगना है, इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। कल फिर इसी मंदिर में इसी समय मिलेंगे। ठीक है। सुनिए, आपने अपना नाम नहीं बताया। बंदे को विजय कहते हैं, काम तो तुम जानती हो, पुलिस वाला हूँ। ठीक है, कल इसी समय मिलेंगे। अपनी भी क्या किस्मत है, मिला भी तो पुलिस वाला। आज तो दिलरुबा का अंदाज ही निराला है, न घंटी न तंबाकू न तांगा, बाकी सब तो ठीक है, मगर तिल हो सकता है नकली हो। एक बेटा, एक बार और। भैया बसंती, यही रुक जा। ए तांगे वाली, जगदीशपुर चलोगी? नहीं भैया, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ए कलवा, हम अभी आवत हैं। अगर कोई ग्राहक आवे तो कहे ठंडे वाले भजिए देना, और ये गरम वाले भजिए भांग के आर्डर के हैं, एका कोनो को ना दई हो, समझे? समझ गया। ए भजिए वाला, पाव किलो भजिया देना। अरे वो ठंडे वाले क्यों दे रहा है, गरम वाले देने में क्या तेरी नानी मरती है? नहीं, ये अबे चुप, भाव पे मत अटक, ला मैं खुद तोल लेती हूँ। ये ले पकड़। भाई के बजे ले गई। अरे ए दिलरुबा, सुन तो सुन तो। अरे हाय, क्या चाल है, क्या ढाल है, इसी अदा पे तो हम मर मिटे। कमाल है दिलरुबा, एक मैं हूँ कि 3 घंटे से मंदिर में इंतजार कर रहा था,
और एक तुम हो जो यहाँ भजिया खा रही हो। लगता है दीप्ति तेरा स्क्रू ढीला हो गया है। अरे यार अजीब लड़की है, कभी प्यार जाता थी तो कभी घंटी बजा देती है। अरे सुन, खैर छोड़ो, शिकवे शिकायतें बाद में करेंगे, पहले भजिया तो खिलाओ। भजिया? हाँ। दीप्ति तू भी क्या याद करेगा किसी रईस से पाला पड़ा था, ये ले खा। एक बात तो बता दीप्ति। बोलो। तू ठहरा दीप्ति, तुझे तो कई अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिल सकती है। बिल्कुल। तो तू एक मामूली सी तांगे वाले के चक्कर में क्यों आ पड़ा? बताऊं? बताओ। मुझे कांटेदार मछलियाँ बहुत पसंद है। हाँ। यू तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। खाई के मैंने पूरी तंबाकू। चुटकी मार ली तू भी बाबू, खाई के मैंने पूरी तंबाकू। मुकद्दर की हूँ सिकंदर जो पाया तुझसा नकवर, नसीब अपना जागा है जवां एक मर्द मिला है। लो भड़के प्यार के शोले निभा दे कसमें वादे, न छूटे ये याराना न टूटे दोस्त ताना, दिखा दे पिक्चर जानी अमर अकबर एंथोनी। सत्ते पे सत्ता खून पसीना, सत्ते पे सत्ता खून पसीना, कालिया जब से देखी नमक हलाल तो मेरी बदल चुटकी है बाबू, बता कैसी चुटकी है बाबू, खाई के मैन पूरी तंबाकू। खाई के मैन पूरी तंबाकू। तेरी चुटकी तौबा ये तेरी मस्ती तौबा, तू जब जब देखे पलट के मैं खाऊं बावन झटके। ये तेरी जाल शराबी ये तेरे नैन गुलाबी, तू चिकनी चिकनी इतनी टिक्की मक्खन की जितनी, गजब है तेरी जवानी न कर बैठू ना दानी। तीर नजर के यूं ना मारो, तीर नजर के यूं ना मारो, रानी तेरी चुटकी पर कुर्बान, मैं देखूं पूरा हिंदुस्तान। दिलरुबा तूने किया है जादू, दिलरुबा तूने किया है जादू। ओ खाई के मैनपुरी तंबाकू, 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 खाई के मैनपुरी तंबाकू। अकबरपुर के वासियों,
हमारा सरदार भवानी सिंह आज तक नहीं भूला कि इस गांव वालों ने उसके भाई शंकर सिंह के खून के छींटे उड़ाए थे। हम आज तुम लोगों से शंकर सिंह के खून की एक एक बूंद का हिसाब लेने आए। हम अकबरपुर गांव से अनाज कह के दाना लूट कर ले जाएंगे। कोई हमारे रास्ते में ना आए। भवानी माँ की सौगंध जो हमारे रास्ते में आया उसे गोलियों से भून डाला जाएगा। अबे ओ मुर्गे की औलाद, अंडे से बाहर निकला नहीं और चोंच मारने लगा। लगता है भवानी माँ आज हम बागियन पर बहुत मेहरबान है। इस गांव से अपना पुराना कर्ज नहीं चुकाएंगे बल्कि सूद के रूप में इस दुश्मन पठान इसे भी पकड़ कर ले जाएंगे। अबे ओ असल को ब्याज कहता है, चुपचाप वापस लौट जाओ वरना शंकर सिंह की तरह इस गांव की गलियों में तेरे खून के छींटे भी उड़ा दिए जाएंगे। शेर खान शेर के मुंह से उसका शिकार मत छीन, हम अनाज कह के दाना लूट कर ले जाएंगे। ओए तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं ले जा सकता। सुनो नहीं तुमने, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो मुंह उठाकर शेर की तरफ भागता है और जब डाकू की मौत आती है तो वो गांव में घुसकर गरीबों से उनकी रोटी छीनने लगता है। ज्यादा बड़बड़ मत कर शेर खान, ये गांव वाले थोड़ी सी बंदूकों से हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ओए क्यों नहीं कर सकते, जालिमों को सबक सिखाने के लिए बंदूकों और कारतूस का जरूरत नहीं है, हिम्मत और मर्दानगी का जरूरत है। चलो चाले वो माशाल्लाह। हराम जादो, एक अपाहिज पर अपनी ताकत का जोर आजमा रहे हो। अरे रेशमा तुम? रेशमा नहीं, तुम्हारी मौत दिलरुबा तांगे वाली। आज हमारा कटा हुआ बाजू हमको वापस मिल गया। चलो हरामजादों, गांव का अनाज लूटने आए थे ना? कुत्तों, मेरा नाम दिलरुबा तांगे वाली है। आज मैं भवानी सिंह को वो तोहफा दूंगी जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। अरे ससुर, बरसों बाद हमारा दुश्मन पठान तुमको मिला और तुमने उसे छोड़ दिया और एक लौंडी से मूछ मुड़वा के चले आए। हरामखोर, तू तुम्हारे ऊपर। लेकिन इतना याद रखना, पिटे हुए मोरों को भवानी मौत की झोली में डाल देता है। हराम जादो, अरे काली, मौत चार भवानी की गोली एक, अब कैसे होगा तमाशा? लेकिन होगा, होगा और जरूर होगा। माफ कर दो सरदार, एक बार माफ कर दो। माफी? अरे माफी हमरे इस तमंचे से मांग है, इसमें ये गोली एक खोली छह है। गोली चली तो तुम्हारा नसीब, ना चली तो तुम्हारा नसीब। खड़े हो जाए इसमें। तू तो बच गया रे, लगता है तेरे ऊपर भवानी माँ काफी मेहरबान है। घबरा मत, भवानी भी तेरे ऊपर मेहरबान है। चलो सरदार, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? जिस लोंडिया ने हमारी मूछें काटी थी ना, उसकी और हमारी रेशमा दोनों की शक्ल एक है। दोनों की शक्ल एक? दिलरुबा तांगे वाले को तो समझा कि वो जरूर दिलीप सिंह की बेटी होगी,
लेकिन रेशमा से उसकी शक्ल का मिलना। ओ चंदा भाई, आओ आओ चंदा भाई आओ। अरे ओ रिया, पट्टी खोल दे इसकी। भवानी सिंह। हाँ चंदा भाई हाँ। अब जरा हमारी आंखों की भी पट्टी खोल दो। पट्टी खोल दूं? मैं मतलब नहीं समझी। हमें पता चला है कि रेशमा तुम्हारी बेटी नहीं है, उसे तुमने किसी नदी के किनारे पड़ा हुआ पाया था। नहीं नहीं भवानी सिंह, मैं कसम खा के कहती हूँ, रेशमा ने मेरी कोख से जन्म लिया है, ये मुझे नदी के किनारे नहीं मिली थी। चंदा भाई, अभी अभी तेरी जबान ने जितने भी सच के मोती उगले हैं ना, उनमें अगर झूठ का एक भी कंकड़ हुआ तो तेरी यही जबान तेरे हाथ में नाचती हुई नजर आएगी, समझे? नहीं नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है, रेशमा मेरी ही बेटी है। लेकिन फिर सरदार के दुश्मन की बेटी दिलरुबा मेरी हमशक्ल क्यों है? बेटी, ऊपर वाला भगवान बहुत बड़ा कुम्हार है जो रोजाना लाखों खिलौने बनाता है, कभी कभी दो खिलौने एक से बन जाते हैं। इसका मतलब हमारी दुश्मन दिलरुबा और हमारी मुखबिर रेशमा का हमशक्ल होना सिर्फ एक इत्तेफाक है। हाँ, मैं वचन देती हूँ सरदार कि मैं बहुत जल्द दिलरुबा और पठान के सर काट कर आपके चरणों में चढ़ा दूंगी। हमारे चरणों में नहीं, भवानी माँ के चरणों में उन दोनों की बलि चढ़ाई जाएगी। उसके बाद तुम्हारा हम शक्ल जुड़वा बहन को हम तलाश करने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वह हमको आज तक नहीं मिला। बाबा, मेरी जिंदगी की दर्द भरी कहानी आपने इतने सालों तक मुझसे छुपाई क्यों रखी? बेटी, हमें उस दिन का इंतजार था जब तुम्हारे बाजू में फौलाद का ताकत आ जाए। अब तुम भवानी सिंह से उसके जुल्म का बदला चुकाने के लायक हो गया है। लो बेटा, अपने माँ बाप का तस्वीर पर फूल चढ़ा दो। नहीं बाबा, तुम्हारी बेटी फूल उस दिन चढ़ाएगी जिस दिन भवानी सिंह के खून का टीका अपने माथे पर लगाएगी। काली बच के जाएगी कहाँ? चलो ढूंढो चारों तरफ से। भैरव, उतर जाओ। ए, चलो। जंगलों को छानते हुए, मगर डाकू भवानी सिंह का कोई पता नहीं चला। ए टांगे वाली, अमीरपुर चलोगी? नहीं बाबू, मैंने सवारियां लेना बंद कर दिया है। तुम कोई दूसरा तांगा देखो। ठहरो, पुलिस आ गई है, चलो वापस। भवानी सिंह, तू अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। हाँ
हराम जादू, तुम्हारे बाप मर गए हैं जो हजामत बनवा के आयो। हमारे बाप नहीं मर गए सरदार, आप मरने वाले हैं। हैं? क्या बकता है रे? मैं बकता नहीं सरदार, वो टांगे वाली कह रही थी कि बहुत जल्दी आपका क्रियाक्रम होने वाला है। सरदार उसने तो आपका श्राद्ध भी कर दिया है। अरे उसका साथ तो मैं मनाऊंगा ही, लेकिन तुम्हारे क्रिया कर्म करने के बाद। अरे ओ चमन टकलो, है भवानी का साथ मनाने आए थे हैं? पूड़ी उड़ी तो खाओगे ही ना, लेकिन आज भवानी फिर फंसा। भवानी की गोली एक और मौत चार, तमाशा बड़ी मुश्किल से होगा, लेकिन होगा, जरूर होगा। हैं? ठहरो भवानी सिंह, तुम अपने ही आदमियों को मारकर अपनी ताकत क्यों कमजोर कर रहे हो यार? ये काम तुम महावीरा पर छोड़ दो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि कल का सूरज वो तांगे वाली नहीं देख पाएगी। इस छमिया की जिंदगी चाहिए थी, वो तो हमने छीन ली। अब ये मुर्दा किस काम का? चलो, पर संग्राम, मरने वाले को तो उसका आखिरी अधिकार मिलना ही चाहिए। कैसा अधिकार महावीरा? अग्नि। चलो तो पहले हमने दिलीप सिंह के पूरे खानदान को मारने की कसम खाई थी, वो आज पूरी हो गई। आज हमरे भाई शंकर की आत्मा को शांति मिल गई होगी। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है दिलरुबा, लेकिन डाकू भवानी सिंह को पकड़ना हम पुलिस वालों का काम है।
तुम्हारी पुलिस तो पिछले 16 सालों से डाकू भवानी सिंह को पकड़ नहीं पाई। ये काम मैं खुद पूरा करूंगी। सुनो तो दिलरुबा। दीप्ति, मुझे ये तो नहीं मालूम कि जिंदगी और मौत के इस खेल में जीत मेरी होगी या भवानी सिंह की। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने दिल से निकाल दो। काश मैं ऐसा कर सकता। बाबा, दिलरुबा दीदी ने आपको ये चिट्ठी दी है। बाबा, डाकुओं ने हमारा घर जला दिया है। मैं भवानी सिंह से बदला लेने के बाद आपसे मिलूंगी दिलरुबा। भवानी सिंह? खोला कैसे? हाँ, लगता है मेरी रूठी हुई बीवी मायके से वापस आ गई। अच्छा, आ गई। लगता है नवी दुल्हन की तरह आराम से सो रही है। सो रहो? नहीं नहीं, माची चलाऊंगा तो जाग जाएगी। वैसे ही सारी रात जागना है, मटर गश्ती करनी है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहुत तड़पाया है, 11 महीने के बाद वापस आई है। आज मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बड़ी मोटी हो गई लगता है बेचारी, गर्भवती। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो 11 महीने के बाद वापस आ गई है। हाँ, मायके वालों ने खूब दूध पिलाया होगा, घी खिलाया होगा। आज मैं तुझे कोला पुड़ का गुड़ खिलाऊंगा। बहुत दिनों के बाद आई है। आए, आए, अरे, मेरी बीवी की मुझे ये परिवर्तन कैसे हो गया? कहीं ये अस्पताल वालों की मेहरबानी तो नहीं है? अभी देखता हूं। तो मुझे मारने आया होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रामानंद सागर। अरे, इसने भी तो मुझे मारा नहीं, कहीं कुछ दान में काला तो नहीं है? हो, ये तो मर गया, ये मुझे क्या मारेगा? होशियार सिंह, होशियार हो जाओ। मैंने आज तक डाकू नहीं मारा, ऐसा मौका मुझे नहीं मिलेगा डाकू मारने का। कल सुबह मेरी फोटो आएगी अखबार में कि मैंने एक बहुत खतरनाक डाकू को मारा है। लोग मेरी जय जयकार करेंगे। होशियार सिंह जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद, मैं दोबारा इंस्पेक्टर बन के रहूंगा। अच्छा, तो ये है वो सूरमा। हाँ सरदार। भवानी, इसी हरामजादे ने हमारे साथी माखन सिंह को
परलोक पहुंचाया है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। धन्य हो, धन्य हो। मैं जानता था कि आप सब लोग जरूर आएंगे, लेकिन आप लोगों ने आने में देर कर दी। क्या बस नहीं मिली? मिली। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप मेरा शानदार जुलूस निकालना चाहते हैं। जी हाँ, हम आपका शानदार जुलूस ऐसा निकालेंगे जिसे आप कभी नहीं भूल सकेंगे। धन्य हो, धन्य हो। लेकिन आप लोग बैंड बाजा साथ में नहीं लाए? आपका बैंड भी बजेगा और बाजा भी। अच्छा अच्छा, अब आप जरा हमारे साथ चलने का कष्ट करेंगे? लेकिन आप लोग मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या किसी मंत्री के पास? मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के पास। ओ हो हो, मुख्यमंत्री, मैं समझ गया। वो मुझे शायद मेडल देना चाहते होंगे, सोने का मेडल, और फोटो भी खिंचवाना चाहते होंगे। फिल्म फेयर में उनकी फोटो आएगी। सरदार, 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 आप तो कह रहे थे मंत्री। यही है हमारे मुख्यमंत्री जी। वाह 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 मुख्यमंत्री जी, मैंने तो सुना था कि मंत्री लोग सिर्फ हुकूमत चलाते हैं, आप तो पिस्तौल भी चलाते हैं। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। ओ, ओ! आज मिट जाएंगे, आज मिट जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले। आज मिट जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले। आज मिट जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले। राख हो जाएंगे ये आग लगाने वाले। राख हो जाएंगे ये आग लगाने वाले। आज मिट जाएंगे। होश में रहना जरा, जोश में आने वाले। होश में रहना जरा, जोश में आने वाले। होश में रहना जरा, जोश में आने वाले। जोश में आने वाले, आने वाले। तुम नहीं आज मेरे, तुम नहीं आज मेरे हाथ से जाने वाले। तुम नहीं आज मेरे हाथ से जाने वाले। होश में रहना जरा। Yeah.
हम उनके निशाने का असर देखेंगे, आज हम उनके निशाने का असर देखेंगे, आज हम उनके निशाने का असर देखेंगे। तीर फेंके तो सही, तीर फेंके तो सही, तीर चलाने वाले, तीर फेंके तो सही, तीर चलाने वाले, आज हम उनके निशाने का असर देखेंगे, असर देखेंगे, हाँ देखेंगे निशाने का असर देखेंगे, आज हम उनके माना तुम निगाहों से निशाना बांध लेते हो, अदाओं से तुम अपने आशिकों को मार देते हो, मगर ये तीर अंदाजे के जौहर क्या दिखाएंगे, कलाई इनकी नाजुक है ये खंजर क्या उठाएंगे, ये आंचल को संभालेंगे, ये खंजर को संभालेंगे, ये जुल्फों को संवारेंगे, ये तीरों को चलाएंगे, उठाना हाथ में तलवार है ये शान मर्दों की, तू औरत है जरूरत है तुझे जेवर की पर्दों की, तू औरत है जरूरत है तुझे जेवर की पर्दों की, आज हम उनके निशाने का असर देखेंगे, असर देखेंगे, हाँ देखेंगे निशाने का असर देखेंगे, आज हम उनके निशाने का असर देखेंगे। तीर फेंके तो सही, तीर फेंके तो सही, तीर चलाने वाले, तीर फेंके तो सही, तीर चलाने वाले, होश में रहना जरा, जोश में आने वाले, आज मिट जाएंगे कुछ हमको मिटाने वाले, तुम नहीं आज मेरे हाथ से जाने वाले, राख हो जाएंगे में रहना जरा। से आखिरी बार भवानी सिंह का पता पूछ रहा हूं, अगर तूने भवानी सिंह का पता नहीं बताया तो तेरा अंजाम इससे भी बुरा होगा, समझे? तो मेरा जवाब भी आखिरी बार सुन ले डिप्टी, कि मैं भवानी सिंह का पता तुझे मरते दम तक नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। कैसे नहीं बताएगा, इससे पहले न जाने कितने पत्थरों को पिघलाकर मैंने मौम बना दिया, समझे? देखो
दीप्ति, हम तुम्हारी महबूबा दिलरुबा को वापस कर सकते हैं अगर तुम हमारे दोस्त महावीरा को वापस कर दो। कल सुबह सूरज निकलने के बाद यह सौदा बरुआ पहाड़ी के ऊंचे पुल पर हो सकता है। अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर है तो यही कारतूस थाने के बाहर लटका देना। कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस और बागियों के बहुत से कारतूस बर्बाद हो जाएंगे। भवानी सिंह। चनो जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चनो जोर गरम जो। सही सलामत तो होना? समझता है भवानी सिंह कि मैं अपनी महबूबा की जिंदगी बचाने के लिए महावीरा तुझ जैसे खतरनाक डाकू को यूं ही छोड़ दूंगा? तेरा खेल अब खत्म हो चुका है भवानी सिंह। अरे भवानी का खेल कभी खत्म नहीं होता। हाँ, तमाशा जरूर शुरू होता है। तुझे शायद मालूम नहीं कि तेरे साथ तेरी मौत खड़ी है। वो देख, ये क्या मजाक है दिलरुबा? तुम्हारी दिलरुबा तो भवानी सिंह के कैद में है दीप्ति साहब। इस नाचीज को तो रेशमा कहते हैं। अपनी पुलिस फोर्स से कह दो कि हथियार फेंक दे और हमारे बागी साथियों को जाने दे। नहीं, तुम लोग अपनी बंदूकें नहीं फेंकोगे। अपनी हर गोली पर डाकुओं का नाम लिख दो। मेरी परवाह मत करो, मेरे हुक्म की तामील करो। अरे अगर तुम लोगों ने मेरे एक दो तीन गिनने तक अपनी बंदूकें नहीं फेंकी तो तुम्हारा ये डिप्टी रेशमा के कट्टे से निकलने वाली गोली से सीधा अपनी भवानी माँ के पास पहुंच जाएगा। एक, दो। सुना है दीप्ति तुम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, चलो। हम रेशमा को मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जाएंगे भवानी सिंह। अरे यार, वो अपना बचाव करना खुद अच्छी तरह जानती है, तू उसकी चिंता मत कर यार, चल। दीप्ति, गाड़ी रोको, उतरो। भवानी सिंह ने तो मुझे तुम्हारी जिंदगी छीनने का हुक्म दिया था, पर अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो। क्या शर्त है तुम्हारी?
मेरे हाथों में कंगन पहना दो। एक मुजरिम लड़की के हाथ में हथकड़ी पहनाई जाती है रेशमा, कंगन नहीं। इससे पहले मैं तुम्हें मौत का कफन पहना दूंगी। अब तुम मुझे खुद भवानी सिंह के अड्डे का पता बताओगी? जरूर, भवानी सिंह खुद तुझे उसके अड्डे तक ले जाएगा डिप्टी बाबू। तू मेरी जान ले ले बहन, पर इतना याद रख बहन, तेरी इस हरकत पर हमारे माँ बाप की आत्मा कितनी बेचैन हो रही होगी। अच्छा, आज मैं तुझे तेरी स्वर्गवासी माँ के पास पहुंचा दूंगी। रुक जा बेटी, अपने ही हाथों अपनी सगी बहन का खून मत बहा बेटी। सगी बहन? हाँ बेटी, मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तू मेरी बेटी है। तू मेरी बेटी नहीं, ठाकुर दिलीप सिंह की बेटी गीता है, और ये तेरी जुड़वा बहन सीता है। बहन, मेरी बहन, तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। भवानी सिंह से झूठ बोलने वाला ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। भवानी सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। काली, बांध दे इसे। अब इसका भी वही अंजाम होगा जो इन सब का होगा। रुक जा काली, रेशमा को हाथ मत लगाना वरना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। अरे ये तो मैं भूल ही गया था कि इस मजनू की भी कोई लैला है। पर महावीरा, तेरी लैला तो तुझसे प्यार नहीं करती। वो मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या भवानी सिंह, परेशमा मेरी जिंदगी है और महावीरा से उसकी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता। और भवानी, रेशमा को इस जन्म में तो जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो फिर भवानी सिंह, आज तुझे अपने दुश्मनों में सबसे पहले मेरा नाम लिखना होगा। भवानी, दुश्मनों का नाम लिखता नहीं बल्कि उनका नामों निशान लिखा देता है। वो फिल्म निहत्ते पर अपनी ताकत का सिक्का जमा रहा है, मर्द का बच्चा है तो सामने आओ। पठान, तेरा भी जवाब नहीं, एक हाथ कटने के बाद भी मुकाबले की बात करता है। अबे ओ गीदड़ की औलाद, मुकाबला हाथ से नहीं जिगरे से होता है। जिगर है गाली, पान दो सब सालों को। जैसे ये गोली चलेगी ये फलीता जलेगा। ये पलीता जलेगा तो वो बारूद पटेगा, और बारूद पटेगा तो तुम सब के चितड़े उड़ जाएंगे। क्यों बटान, क्या तेरा कुरान अब भी तुम लोगों को बचा सकता है? भला तूफान क्या टकरा है लिपटे मेरे सीने से।
दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, बंदों के वास्ते है सहारा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। सुन ले तुझे बताता हूँ ताकत कुरान की, तू जानता नहीं है हकीकत कुरान की, मुल्तान में रहती थी एक अल्लाह की प्यारी और उसके साथ रहती थी एक नन्ही नवासी, हर रोज वो करती थी तिलावत कुरान की, वहाँ भी दे कुरान थी नानी की जान थी, बख्शा खुदान था उसे तोहफा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। माँ बाप की दौलत से विरसे में मिली थी, थे उसके चचा तीन, नियत उनकी बुरी थी, एक रात उसके घर में वो चुपके से आ गए और उसका मुंह दबा के वो जंगल में ले गए, बच्ची को जालिमों ने जमी पर पटक दिया, बोले तेरे माँ बाप को हमने कत्ल किया, अब तेरी कब्र खोद के तुझको सुनाएंगे और तेरी जायदाद पे कब्जा जमाएंगे। बच्ची ने ये सुना तो वो कहने लगी, चचा मैं हाफिज़े कुरान हूँ, ईमान है मेरा, आई है मेरी मौत तो मालिक की है रजा, वरना न कर सकोगे मेरा बाल बीबी का, शैतान हो तुम लोग बिगाड़ोगे क्या मेरा, तुम मारने वालों से बड़ा है मेरा खुदा। बच्ची की बात सुन के चचा तीनों हाथ दिए, तलवार लेके मारने उसकी तरफ बढ़े, पढ़ने लगी कुरान की आयत वो बार बार, करने लगी अल्लाह की रहमत का इंतजार, जैसे ही वार करने को तलवार उठाई, वैसे ही एक शेर ने की उन पे चढ़ाई, तीनों को चीर फाड़ दिया, खत्म कर दिया, वो शेर की शक्ल में फरिश्ता खुदा का था, वो क्या मिटेगा जिस पे हो साया कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। हम पे भी रहम कर दे करम अपना दिखा दे, शैतान की साजिश को तू नाकाम बना दे, जालिम ने दिया है मुझे ताना कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, करिश्मा कुरान का, चर्बी चढ़ गई थी इन सालों को, भवानी सिंह को आंखी दिखाने लगे थे, आज भवानी सिंह दुनिया के नक्शे से
ये अकबरपुर का नामो निशान ही मिटा देगा साला। ये देखो चूना, भवानी जैसे इस चूने को चाटेगा यमराज के घोड़े सरपट भागेंगे और इन सबको परलोक पहुंचा देंगे। देखा भवानी सिंह, अल्लाह ने दिखाया करिश्मा कुरान का, अब तू भी देख ले जरा जलवा पठान का। कहावत सुना होगा, मियां का जूता मियां के सर। आज हम तुम्हारे खिलौने से तुम्हारा काम तमाम करेगा। निकाल गोली। अबे कुत्ते निकाल गोली। ओए अब गोली भी तुम्हारा, खोली भी तुम्हारा, जिंदगी भी तुम्हारा, मौत भी तुम्हारा। क्या घुमाओ, ओ एक बार फिर घुमाओ। ओए अब गोली एक, खोली छह, जिंदगी पांच, मौत एक। ओए अब तो शेर खान को भी नहीं मालूम कि गोली कौन सा खोली में है। चलाओ गोली। गोली चल गई, गोली चल गई। आप मंत्री हैं या डाकू हैं? वैसे ये जो सब लोग यहाँ खड़े हैं, ये क्या यहाँ तबेले में काम करते हैं?
ये सारे हमारे हुकूमत के मंत्री हैं। यह है जग्गा हत्या के महकमे का मंत्री, यह है धर्मू डकैती के महकमे का मंत्री। वाह वाह वाह, डकैती का मंत्री, हत्या का मंत्री, इतने सारे विभाग आपने क्या नवे खोले हैं? मैं आपको पूछना ही भूल गया, वो आप मेरा जुलूस किस रास्ते से निकालने वाले हैं? वो क्या है, पुलिस को बोलना पड़ेगा ना? जुलूस? अरे ये पूछ कि तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। अर्थी? क्या मतलब? क्या बाजू में कोई गरीब मर गया है? संग्राम सिंह, इसको जरा मतलब समझा दे। तेरी खोपड़ी में तो भूसा भरा हुआ होशियार सिंह, जो तू अभी तक नहीं समझा कि तू डाकू भवानी सिंह के दरबार में खड़ा हुआ है। डाकू भवानी सिंह? कहाँ है उल्लू का पट्टा? उस लोमड़े की मौत आई है, कहाँ है वो? ये पता नहीं आज बाबा ने खाना खाया होगा कि नहीं। आप लोग कौन है, हम इधर कैसे आया? मैं चंदा बाई हूँ, रास्ते में आप मुझे बेहोश पड़े हुए मिले, मैं आपको यहाँ ले आई। ये तस्वीर, ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी रेशमा है। नहीं, ये आपका बेटी रेशमा नहीं हो सकता, ये हमारे मालिक की बेटी सीता की जुड़वा हम शक्ल बहन गीता है, जो आज से 15 बरस पहले हमारे टांगे से नदी में गिर गया था। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आप मेरी बेटी को अपने मालिक की बेटी कैसे बता रहे हैं? देखो बहन, तुम अभी अभी हमको भाई कहा, बहन को भाई से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच सच बताओ ये लड़की कौन है? हाँ भाई साहब, रेशमा मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी छोटी बहन चंपा बाई को नदी के किनारे पड़ी हुई मिली थी, लेकिन इसे पाकर मेरे अंदर माँ की ममता जाग उठी। मैंने इसके पैरों में घुंघरू जरूर बांधे, लेकिन इसे नथ कभी नहीं पहनाई। बहन, अल्लाह करे हमारा उम्र भी तुमको लग जाए, लेकिन ये रेशमा है कहाँ? रेशमा आजकल डाकू भवानी सिंह के अड्डे पर काम कर रही है। क्या, भवानी सिंह? अल्लाह रहम। बहन, क्या तुम हमको डाकू भवानी सिंह के अड्डे का पता ठिकाना बता सकती हो? सर, सारा काम आपके प्लान के मुताबिक ठीक हो गया, लेकिन सर आपको पूरा यकीन है कि डाकू भवानी सिंह पालनपुर की हवेली में डाका डालने जरूर आएगा? हाँ इंस्पेक्टर सक्सेना, गिद्ध की नजर हमेशा मुर्दे पर ही होती है। सर, अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो हवलदार होशियार सिंह का भी हमें पता चल जाएगा, जो कई दिनों से लापता है। यू आर राइट। सरदार, पालनपुर के राजा प्रीतम राज अपनी पत्नी के स्वर्गवास के बाद अपने सारे कीमती गहने और शाही खजानों के कीमती हीरे जवाहरातों को नीलाम करने जा रहे हैं। और ये नीलामी पालनपुर के गाँव की हवेली में होगी। नीलामी से पहले मेहमानों के स्वागत के लिए 2 कव्वालों का मुकाबला भी होगा। क्या, जेवरों की नीलामी? इसका मतलब भवानी सिंह वहां जरूर आएगा, और अगर आएगा तो फिर वापस जा नहीं पाएगा। जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले, आज मिट जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले, आज मिट जाएंगे खुद हमको मिटाने वाले, राख हो जाएंगे
में रहना जरा, होश में रहना जरा, जोश में आने वाले, होश में रहना जरा, जोश में आने वाले, होश में रहना जरा, जोश में आने वाले, जोश में आने वाले, आने वाले। तुम नहीं आज मेरे, तुम नहीं आज मेरे हाथ से जाने वाले, तुम नहीं आज मेरे हाथ से जाने वाले, होश में रहना जरा। चलाने वाले तीर फेंके तो सही, तीर चलाने वाले, आज हम उनके निशाने का असर देखेंगे, असर देखेंगे, हाँ देखेंगे निशाने का असर देखेंगे, आज हम उनके माना तुम निगाहों से निशाना बांध लेते हो, अदाओं से तुम अपने आशिकों को मार देते हो, मगर ये तेरे अंदाजे के जौहर क्या दिखाएंगे, कलाई इनकी नाजुक है ये खंजर क्या उठाएंगे, ये आंचल को संभालेंगे, ये खंजर को संभालेंगे, ये जुल्फों को संवारेंगे, ये तीरों को चलाएंगे, उठाना हाथ में तलवार है ये शान मर्दों की, तू औरत है जरूरत है तुझे देवर की पर्दों की, तू औरत है जरूरत है तुझे देवर की पर्दों की, आज हम उनके निशाने का असर देखेंगे, असर देखेंगे, हाँ देखेंगे निशाने का असर देखेंगे, आज हम उनके निशाने का
असर देखेंगे। तीर फेंके तो सही, तीर फेंके तो सही, तीर चलाने वाले, तीर फेंके तो सही, तीर चलाने वाले। होश में रहना जरा, जोश में आने वाले, आज मिट जाएंगे कुछ हमको मिटाने वाले। तुम नहीं आज मेरे हाथ से जाने वाले, राख हो जाएंगे ये आग लगाने वाले। होश में रहना जरा। तुझसे आखिरी बार भवानी सिंह का पता पूछ रहा हूं। अगर तूने भवानी सिंह का पता नहीं बताया तो तेरा अंजाम इससे भी बुरा होगा, समझे? तो मेरा जवाब भी आखिरी बार सुन ले डिप्टी, कि मैं भवानी सिंह का पता तुझे मरते दम तक नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। कैसे नहीं बताएगा? इससे पहले न जाने कितने पत्थरों को पिघलाकर मैंने मौम बना दिए, समझे? दीप्ति, हम तुम्हारी महबूबा दिलुबा को वापस कर सकते हैं अगर तुम हमारे दोस्त महावीरा को वापस कर दो। कल सुबह सूरज निकलने के बाद यह सौदा बरुआ पहाड़ी के ऊंचे पुल पर हो सकता है। अगर तुम्हें यह सौदा मंजूर है तो यही कारतूस थाने के बाहर लटका देना। कोई चाल चलने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस और बागियों के बहुत से कारतूस बर्बाद हो जाएंगे। भवानी सिंह। चनो जोर गरम बाबू में लोयो मजेदार, चनो जोर गरम जो। Thank you.
मेरे दोस्त, चल। दिलरुबा, तुम सही सलामत तो हो ना? समझता है भवानी सिंह कि मैं अपनी महबूबा की जिंदगी बचाने के लिए महावीरा तुझ जैसे खतरनाक डाकू को यूं ही छोड़ दूंगा? तेरा खेल अब खत्म हो चुका है भवानी सिंह। अरे भवानी का खेल कभी खत्म नहीं होता। हाँ, तमाशा जरूर शुरू होता है। तुझे शायद मालूम नहीं कि तेरे साथ तेरी मौत खड़ी है। वो देख, ये क्या मजाक है दिलरुबा? तुम्हारी दिलरुबा तो भवानी सिंह के कैद में है डिप्टी साहब। इस नाचीज को तो रेशमा कहते हैं। अपनी पुलिस फोर्स से कह दो कि हथियार फेंक दे और हमारे बागी साथियों को जाने दे। नहीं, तुम लोग अपनी बंदूकें नहीं फेंकोगे। अपनी हर गोली पर डाकुओं का नाम लिख दो। मेरी परवाह मत करो, मेरे हुक्म की तामील करो। अरे अगर तुम लोगों ने मेरे एक दो तीन गिनने तक अपनी बंदूकें नहीं देंगी तो तुम्हारा ये डिप्टी रेशमा के कट्टे से निकलने वाली गोली से सीधा अपनी भवानी माँ के पास पहुंच जाएगा। तुम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, चलो। हम रेशमा को मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जाएंगे भवानी सिंह। अरे यार, वो अपना बचाव करना खुद अच्छी तरह जानती है, तू उसकी चिंता मत कर यार, चल। दीप्ती, गाड़ी रोको, उतरो। भवानी सिंह ने तो मुझे तुम्हारी जिंदगी छीनने का हुक्म दिया था, पर अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो। क्या शर्त है तुम्हारी? मेरे हाथों में कंगन पहना दो। एक मुजरिम लड़की के हाथ में हथकड़ी पहनाई जाती है रेशमा, कंगन नहीं। इससे पहले मैं तुम्हें मौत का कफन पहना दूंगी। तुम मुझे खुद भवानी सिंह के अड्डे का पता बताओगी? जरूर, भवानी सिंह खुद तुझे उसके अड्डे तक ले जाएगा डीपी बाबू। तू मेरी जान ले ले बहन, पर इतना याद रख बहन, तेरी इस हरकत पर हमारे माँ बाप की आत्मा कितनी बेचैन हो रही होगी। अच्छा, आज मैं तुझे तेरी स्वर्गवासी माँ के पास पहुंचा दूंगी। रुक जा बेटी, अपने ही हाथों अपनी सगी बहन का खून मत बहा बेटी। सगी बहन? हाँ बेटी, मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तू मेरी बेटी है। तू मेरी बेटी नहीं, ठाकुर दिलीप सिंह की बेटी गीता है, और ये तेरी जुड़वा बहन सीता है। बहन, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो बहन, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रो मत बहन, तुमने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। अम्मा, अम्मा, अम्मा,
रानी सिंह से झूठ बोलने वाला ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। भवानी सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। काली, बांध दे इसे। अब इसका भी वही अंजाम होगा जो इन सब का होगा। रुक जा काली, रेशमा को हाथ मत लगाना वरना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। अरे ये तो मैं भूल ही गया था कि इस मजनू की भी कोई लैला है। पर महावीरा, तेरी लैला तो तुझसे प्यार नहीं करती। वो मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या भवानी सिंह, परेशमा मेरी जिंदगी है और महावीरा से उसकी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता। और भवानी, रेशमा को इस जन्म में तो जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो फिर भवानी सिंह, आज तुझे अपने दुश्मनों में सबसे पहले मेरा नाम लिखना होगा। भवानी, दुश्मनों का नाम लिखता नहीं बल्कि उनका नामों निशान लिखा देता है। वो सिल्फ निहत्ते पर अपनी ताकत का सिक्का जमा रहा है। मर्द का बच्चा है तो सामने आओ। पठान, तेरा भी जवाब नहीं, एक हाथ कटने के बाद भी मुकाबले की बात करता है। अबे ओ गीदड़ की औलाद, मुकाबला हाथ से नहीं जिगरे से होता है। जिगर है। काली, पान दो सब सालों को। जैसे ये गोली चलेगी ये फलीता जलेगा। ये फलीता जलेगा तो वो बारूद पटेगा और बारूद पटेगा तो तुम सब के चितड़े उड़ जाएंगे। क्यों बटान, क्या तेरा कुरान अब भी तुम लोगों को बचा सकता है? भला तूफान क्या टकराएगा मेरे सफीने से, कुरान पाक की बरकत है लिपटी मेरे सीने से। दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, बंदों के वास्ते है सहारा कुरान का। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। सुन ले तुझे बताता हूँ ताकत कुरान की, तू जानता नहीं है हकीकत कुरान की। मुल्तान में रहती थी एक अल्लाह की प्यारी और उसके साथ रहती थी एक नन्ही नवासी। हर रोज वो करती थी तिलावत कुरान की, वहाँ की दे कुरान थी नानी की जान थी। बख्शा खुदान था उसे तोहफा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। माँ बाप की दौलत से विरसे में मिली थी, उसके चचा तीन नियत उनकी बुरी थी। एक रात उसके घर में वो चुपके से आ गए और उसका मुंह दबा के वो जंगल में ले गए। बच्ची को जालिमों ने जमीन पर पटक दिया, बोले तेरे माँ बाप को हमने कत्ल किया।
ये सुना तो वो कहने लगी चचा मैं हाफिज़े कुरान हूँ ईमान है मेरा आई है मेरी मौत तो मालिक की है रजा वरना न कर सकोगे मेरा बाल भी बीका शैतान हो तुम लोग बिगाड़ोगे क्या मेरा तुम मारने वालों से बड़ा है मेरा बच्ची की बातें सुन के चचा तीनों हाथ दिए तलवार लेके मारने उसकी तरफ बढ़े पढ़ने लगी कुरान की आयत वो बार बार करने लगी अल्लाह की रहमत का इंतजार जैसे ही वार करने को तलवार उठाई वैसे ही एक शेर ने की उन पे चढ़ाई तीनों को चीर फाड़ दिया खत्म कर दिया वो शेर की शक्ल में फरिश्ता खुदा का था वो क्या मिटेगा जिस पे हो साया कुरान का अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का हम पे भी रहम कर दे करम अपना दिखा दे शैतान की साजिश को तू नाकाम बना दे बहुत चर्बी चढ़ गई थी इन सालों को भवानी सिंह को आंखें दिखाने लगे थे आज भवानी सिंह दुनिया के नक्शे से ये अकबरपुर का नामो निशान ही मिटा देगा साला ये देखो चूना भवानी जैसे इस चूने को चाटेगा यमराज के घोड़े सरपट भागेंगे और इन सबको परलोक पहुंचा देंगे भवानी सिंह अल्लाह ने दिखाया करिश्मा कुरान का अब तू भी देख ले जरा जलवा पठान का Oh!
नहीं सही, तुम्हें कहावत सुना होगा, मियाँ का जूता मियाँ के सर। आज हम तुम्हारे खिलौने से तुम्हारा काम तमाम करेगा। निकाल गोली। अबे कुत्ते निकाल गोली। ओए अब गोली भी तुम्हारा, खोली भी तुम्हारा, जिंदगी भी तुम्हारा, मौत भी तुम्हारा। क्या घुमाओ, ओ एक बार फिर घुमाओ। ओए अब गोली एक, खोली छह, जिंदगी पांच, मौत एक। ओए अब तो शेर खान को भी नहीं मालूम कि गोली कौन सा खोली में है। चलाओ गोली। गोली चल गई, गोली चल गई। अगर तुम्हारा परी सवारी सचमुच पुष्पा गाना होगा, चढ़ेगी दुल्हन रथ, उतरेगी खुद में।